So hello guys, welcome back to another gameplay video of the channel The Subjugator. तो आज हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट मैच क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द डायमंड कप चेल्सिया के साथ खेलने वाले हैं। तो हम अपने पहले मैच की तरफ निकलने से पहले थोड़ी टीम मैनेजमेंट देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम शुरू में टीम मैनेजमेंट देख के थोड़ा टाइम पास तो कर ही लेते हैं। हाँ मतलब ठीक है, फिर हम अपने माई क्लब में जाके भी यहाँ पर देखते हैं वाओ द सब्जुगेटर क्लब इज़ ऑन द टॉप। हाँ ऐसे सब कुछ करते हैं। और अब हमारा है मैच दी चेल्सिया के वर्सेस सब्जुगेटर क्लब। तो हाँ सर आप देख ही लोगे, पर भी आप कमेंट में अभी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन जीतेगा। हाँ मुझे पता है कि मैं ही जीतूँ, आई एम सो प्रो गाइस। देखते हैं ओके, तो हम अपना पहला गेम शुरू करते हैं। पर हम देखते हैं पहले उनकी टीम में गोलकीपर छोड़ो, बहुत टाइम पास हो गया। हम अपना मैच शुरू करते हैं विद चेल्सिया सब्जुगेटर क्लब विद चेल्सिया। गाइस आप देख ही सकते हैं कितना पूरा अपना स्टेडियम दिखाने जाते हैं, क्योंकि आज हम अपने होम ग्राउंड पे हमारा मैच हो रहा है, तो आपको तो ये स्टेडियम देखना ही देखना चाहिए। ओके तो हमारी टीम का है पोजीशन 5-3-2, जैसे कि आप जानते ही हैं ये हमारी फेवरेट पोजीशन है अब तक। और उनकी टीम की पोजीशन क्या है अब देखेंगे। ओ 5-2-3-1, अरे बाप रे थोड़ी हार्ड सी लग रही है। कोई नहीं गाइस, कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ गाइस, आपने कुछ नहीं सुना, हम लोग अपन खेल ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट भी उन्हें ही मिला, सोचो कितनी बुरी बात है, स्टार्ट भी उन्हीं को मिल रहा है। पर लेकिन गाइस हमने शुरू में ही बॉल छीन ली है लाइक अ प्रो प्लेयर्स। अब ना उनके हाथ में बॉल जाएगी, हाँ नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी उनके हाथ में बॉल। और ये हमारा एलिसन तो आगे शूट मार ही देगा ना। कोई अरे भाई गाइस ग्लोबिन के बुरे दिन आने वाले हैं, उसको टीम से बाहर निकलने की तलब लग रही है। पर लेकिन हम उसको निकालेंगे नहीं, चाहे उसको तलब लगे चाहे कुछ भी लगे, क्योंकि वो हमारी टीम में बड़ा मेन आदमी है। इसलिए वो नखरे दिखा रही है क्योंकि वो बहुत मेन है ना, इसलिए नखरे दिखा रहा है। एक मैच के लिए नहीं लूँगा ना तो पूरे नखरे डाउन हो जाएंगे उसके। ओके गाइस तो हमारा पहला थ्रो इन आ चुका है, हम देंगे थ्रो इन वर्जिल को। वर्जिल देगा साला को, और साला नहीं हागी का, और ग्रेजमैन को देगा, तो और ग्रेजमैन इकार्डी को देके, फिर इकार्डी को देके। ओके क्या कर रहा हूँ ये, मैंने क्या किया था, पास पूस किया फिर गोल भी हक दिया। ओके कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास कॉर्नर किक आ चुकी है, क्या ये हमारी कॉर्नर से गोल जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है गाइस, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। अरे अभी कहाँ का गोल कीपर है ये। ओके गाइस कोई बात नहीं गाइस, अब तो जा ही जाएगा दिया। दो कॉर्नर्स मिले हैं गाइस हमें, पर हम नूको की तरह दोनों हर दिया। पर कोई बात नहीं गाइस, हमें फिर से थ्रो इन मिल चुका, इसका मतलब क्या चेल्सिया हमें जितना चाहती है। देखते हैं अगर अभी ये गोल होता है तो इसका मतलब चेल्सिया हमें नहीं जितना चाहती है, वो बिल्कुल नहीं जितना चाहती है। ओके कोई बात नहीं, अरे भयंकर सब हक दो भयंकर साला, तू तो कमबोर्ड भी बैठ जाएगा डर के, मैच शुरू हुआ नहीं कमबोर्ड अपने पीछे लगे घुमा कर। पहली बार ग्लोबिन ने कोई अच्छा काम किया है पूरे टीम में, मतलब इतने सारे दिनों में इकार्डी इतना फास्ट होने के बाद उसने वो भी हक दिया सोचो, और इसने तो और ही बड़ा हक दिया, सीधा बाहर ही मार दिया जबकि कोई ले भी नहीं रहा इससे। वो लैपोर्टे पास देते हुए मैनरलेस को, और मैनरलेस का तो नाम ही हमने ऐसे रखा है इसलिए वो अच्छे खेलने की कोशिश करता है, पर ये ऑफसाइड हो गया। देखा गाइस मुझे पहली पास लगा था ऑफसाइड हो गया, क्योंकि आई एम प्रो इन दिस गेम, आई नो एवरीथिंग गाइस, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ प्रो। हाफ टाइम 45 मिनट्स के मैच में किसी ने एक भी गोल नहीं लगाया, और पोजीशन उनका ज़्यादा है पता नहीं क्यों, पर लेकिन उनका ज़्यादा है। और हमारी टीम में देखते कोई मिलना पाओ हक नहीं। हाँ सर अभी अच्छी स्पीड में है अपनी, हमने कुछ नहीं लाया, सिर्फ उन्होंने लाए, क्योंकि वो डर रहे हैं गाइस हमसे कि उनके प्लेयर्स लो हो गए तो क्या होगा, कहीं हम जीत ना जाएं। गाइस इतना ग्लोविन के पास बॉल जा चुकी है, और ग्लोविन ने इकार्डी को दिया, और इकार्डी ने हगा नहीं है, पर इकार्डी ने उसको डैमेज पहुँचा दिया है, पर फिर से इकार्डी ने बिल्कुल नहीं हगा है। ओके ग्रेजमैन तू नहीं हगेगा, तो
ग्रिज़मान को बुरी तरह से मारा गया है, पर लेकिन गोल को गोल की को फाउल क्यों दिया भाई साला रे साला। आई थिंक सो साला का नाम साला किसने रखा क्या उसने? आई थिंक सो उसके जो पापा हैं उसको अपनी सा नहीं उसको अपनी बीवी की बहन से प्यार था, इसलिए उसके अपने नाम साला नहीं। क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, साला साली रखना चाहिए वो। हाँ मुझे लगता है उसको अपनी पत्नी के भाई से प्यार था। नहीं छोड़ो, क्या बात कर रहा हूँ मैं भी। इट्स कार्टून नेटवर्क पे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अरे कहाँ कर दिया भाई तूने ये क्या? अरे भाई ये क्या कर दिया तूने, पूरा हगार ही मचा दिया है भैया। तुम तो भयंकर, बॉल को पकड़ो ही ना अपने पास, सीधा बाहर फेंक के दूर ही रख दो अपने से। हॉगवर्ट्स के पास बॉल है, अब बॉल है नहीं पता नहीं इसका नाम क्या था, भूल गया। फिर से हॉगवर्ट्स के पास बॉल आ चुकी है, पर हॉगवर्ट्स भयंकर बॉल देने को तैयार ही नहीं है। अच्छा वो हमें गोल्ड कार्ड नहीं मिला। हम रोनाल्डो को देख के एक्शन को बुलाते हैं, क्योंकि रोनाल्डो की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। अब मैं भी क्या बोलूँ, हमने भी फाउल ही कर दिया, पर फाउल में कोई फ़ायदा ही नहीं है गाइस। उन्होंने भी हक दिया है, इतने पास से गोल नहीं मार पाए। मैं होता तो 2 सेकंड में गोल मार देता। अब वो अलग बात है कि मैं कॉर्नर पे नहीं मार पाता तो इस पर क्या मारूंगा, पर लेकिन मैं होता तो मार दूंगा गाइस। बोलने में जा ही क्या रहा है, बोलने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। अगर बोलने के पैसे लगते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, पर लेकिन बोलने के पैसे नहीं लग रहे हैं गाइस। आई थिंक सो मैं बहुत ज़्यादा ही बेकार जोक्स मार रहा हूँ। कोई बात नहीं गाइस, अब आप सही करिए तो कर लीजिए, और क्या रहता है हमारा और आपका। इकार्डी के पास बॉल तो चाहिए नहीं गाइस, हमारा 0 गोल्स है गाइस। हम क्या होएगा इस देश का अगर ऐसा चलता रहा, कुछ नहीं होगा गाइस। हम मारते हैं, अरे भाई दे देना भाई, क्यों बीच बीच में टांग अड़ा रहे हो। एंड ऑफ 90 मिनट्स गाइस, मुझे लगता है हमारे शहरों की पहली पेनल्टी पास आ रही है, सिर्फ 30 मिनट और। क्या हम 30 मिनट में एक गोल मार सकते हैं? मारने का छोड़ो, पहले डिफेंस का देखना पड़ेगा गाइस। हमें चेल्सिया के साथ हारना नहीं है। नहीं, ओके गाइस। अरे कहाँ दे, अरे गंदे गंदा रेफरी है कितना। मैंने कहा ना मैं इतना चूपने लगा हूँ कि रेफरी भी बार बार मेरे को फ्री किक गोल देने से रोक रहा है। ये भी ऑफसाइड, इनको गोल के पीछे खड़ा कर देते हैं जाके। हैं तुम गोल के पीछे खड़े हो जाओ, खेलने की भी क्या जरूरत है जब तुम ऑफ साइड ही कर रहे हो। गोल तो मार नहीं रहे हो तुम, जो तुम ऑफ साइड करोगे और मैं सेंड कर लूँगा। गोल तो तुम बिल्कुल नहीं मार रहे हो, तो ऑफ साइड दे रहे हो तो गोल तो मार नहीं रहे हो, तो तुम जाके खड़े हो जाओ ना पीछे। वो भी हक दिया, बढ़िया एक आईडी भाई। तुम इतने बड़े बड़े लोगों, तुमसे स्पीड नहीं आ रही, वो गोल के बाद तुमसे पहले पहुँच जा रहा है, और तुम बोलते हो कि हम इतने बड़े लोग हैं तुम हमको टीम से नहीं निकाल सकते। अरे भयंकर, एक दिन टीम से निकालने की बात आ गई ना, तो 68 नहीं कुछ नहीं करूँगा मैं तुम्हें टीम से क्यों निकालो भाई, निकालो क्यों मैं तुम्हें टीम से। हाफ टाइम हो चुका है गाइस, एक बार नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके 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 ओके, अरे वाह वाह रे, वाह 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 रे बेटे। ओके कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चली 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 चली, नहीं, अबे गधे आदमी साले, बीच में टपक गया तू है ना टप्पू साला। हट हमारा, हम क्या, हम लोग ना क्या करते हैं, तू बाहर हो जा भाई, तू तो भयंकर कुछ कर तो रहा नहीं है, तू बाहर ही हो जा फिर। अब हमें 15 मिनट में एक गोल बचाना है और एक गोल रोकना भी है। लेट्स गो गाइस। अब हमको क्या डिफेंस और अटैक करना है, इसका मतलब हमको डाटा डाटा करना है, डाटा डिफेंस प्लस डिफेक्ट करना है। डिफेक्ट छोड़ो। ओके ओके, क्या फ्रेंड इज मापा। अरे गंदे आदमी फ्री किक क्यों दे रहा है भाई, हमको फ्री किक नहीं चाहिए था इस समय। क्या गधा आदमी रहेगा ना। ओके कोई बात नहीं गाइस, मैं क्या गोल मार लूंगा यार इसमें, इतने पास से इज्जत तो नहीं गवाऊंगा। अरे शिट मैन, ऊपर से जाएगा। अरे यार उन्होंने गलती से कुछ ज़्यादा ही मार दिया है। छी यार, हट, पूरा मूड ही ख़राब हो चुका है। हमने अपना आखिरी चांस भी गवा दिया है, अब तो शायद हमारी हार पक्की है। ये क्या हो रहा है, कोई तो बॉल दे दो हमें। एरिक्सन तू भाग ले प्लीज़, कोई बात नहीं मत भाग, वैसे भी आउटसाइड ही जा रहा था।
अब मुझे 5 मिनट में एक गोल मारना है, तो अपना वहीं खड़े खड़े होते रहे, मैं 5 मिनट में गोल मार के आता हूँ। ओके ओके ओके, गधे बीच में से हट जा, बोल रहा हूँ मैं। देखो अभी क्या गंदा आदमी रहेगा रे तू, बीच में से हट भी नहीं रहा। अरे तुम प्लीज़ जाने दो मुझे प्लीज़। अरे 2 मिनट में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा भाई, अब मैं उखाड़ सकते हूँ, उखाड़ सकते हूँ, उखाड़ सकते। गधे यार बीच में घुस गया यार, हट। गाइस अब हमारा आ चुका है सबसे मेन टाइम, पेनल्टी का टाइम। द सब्जुगेटर क्लब इज अ पेनल्टी अवे फ्रॉम विन। क्या हम जीत सकेंगे? क्या हम इतना शर्ट में मारेगा? पेनल्टी में तो बड़ा तगड़ा बंदा दिखता है, इस साइड मारेगा। ओह शिट, हमने ये गोल बचा लिया गाइस। तो इसमें एक टेक्निक रहती है कि जिस तरफ वो मारते हैं हमें भी उसी तरफ मारना चाहिए, बट लेकिन शुरू में हम दूसरे मारेंगे, ठीक है? चल अभी गंदे आदमी कहीं तो चले जाता है। छी भाई तो ये नहीं मारेगा, उधर मारेगा। ओह यस गाइस, हमने दूसरा गोल भी बचा लिया है, सही टाइम पर तुक्का लग गया। हम फिर से बीच में मारेंगे, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा इस बार। वो बढ़िया चला गया ना उसका, वो गाइस 3 गोल लगातार हम जीत चुके हैं, जीत नहीं चुके हैं मतलब। ओके अब हम इधर मारेंगे ताकि वो, ओके हम इसे ये गोल रोकना है गाइस, ताकि हम जीत जाएं ये मैच। नहीं हम ये मैच में जीतेंगे, वो गोल लग गया तो। अरे यार शिट यार, उसने गोल मार दिया है। अब मैं वापस उधर मारता हूँ, पिछले बार वो इधर आता, इस बार कहीं आएगा इधर। बढ़िया जा रे बेटे, बाप को सिखाएगा है। अरे भयंकर एक गोल देखने का, प्लीज 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 मार, इधर मार इधर मार। कद्दी बढ़िया। अरे भाई चेल्सिया को हरा दिया है हमने। इसी बात पे गाइस लाइक ठोक दीजिए, मैं बोल रहा हूँ लाइक ठोक दो, इतना मज़ा आएगा कभी आपको। गाइस एलिसन को पहली बार मैन ऑफ द मैच बन चुका है गाइस, वो भी क्वार्टर फाइनल से जाके सीधा। बढ़िया हो गया गाइस, ऐसा गेम बाप रे कभी खेला ही नहीं है हमने, सारे गोल बचा लिए हैं सिवाय एक के। ओ शिट, अगला मैच हमारा बार्सिलोना के साथ है गाइस, बार्सिलोना के साथ। अच्छा उसमें मेसी होगा, पर मेसी ने बार्सिलोना छोड़ दिया है, तो हम अगली बार देखेंगे कि इसमें मेसी है कि नहीं है। हमारा अगला मैच कब है हमारा बार? ओ ये हमारा सीजन पास भी रेडी हो चुका है गाइस, 25 रुपीज़ का, रुपीज़ नहीं कॉइंस का, कॉइंस भी बड़ी अहमियत रखते हैं। और हमेशा की तरह हमें कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं मिला है, हम क्लब में जाके देखते हैं। तो हमारा बार्सिलोना के साथ मैच 2 दिन बाद होगा, तो आप आ जाइए गाइस, 2 दिन 3 दिन बाद होगा सॉरी, तो आप 3 दिन बाद आ जाइए, 4th दिन पर आना, 3 दिन बाद में चौथे दिन पर आना, ठीक है? इतना रिलैक्स फील हो रहा है गाइस, पेनल्टी शूटआउट्स में हम जीत चुके हैं और पर्सनली पेनल्टी शूट में जीते थे, नाइस। और हमारे अपोनेंट्स में है जेड टूरिन वर्सेस आर मैड्रिड, तो मैं सपोर्ट करूंगा जेड टूरिन, नहीं आर मैड्रिड को सपोर्ट करूंगा मैं। आपको पता है गाइस जो हमारे इस गेम का रोनाल्डो है वो पहले जेड टूरिन में था, हमने उसे वहां से लेके हमारी टीम में एड ऑन कर लिया है, तो हम अपनी टीम मैनेजमेंट देखते हैं। साला एक साला को 100 रुपये चाहिए, मैं 2 रुपये जीते हैं, 3 कॉइंस नहीं चाहिए। रोनाल्डो तो भाई ऐसा ही बन रहा है, तो चाहिए नहीं इतना पैसा, इतना पैसा ज़िंदगी में क्या कमा के कर लेगा भाई वो, अब खरीदने के लिए भी कुछ नहीं बचा उसके पास। अब सके चांद को तो खरीद नहीं देगा ना वो गाइस। तो हमारा अगला मैच है वैलेंसिया के साथ, लाइट डिवीजन का मैच है गाइस, तो अगर आपको आना हो तो आ जाइए, नहीं तो क्या हम अपने एडिट टीम नेम नहीं एडिट मैनेजर नहीं एडिट किट नहीं एडिट प्लेयर नहीं 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 ब्लैक है तो बूट्स कलर नहीं, हम इसके बूट्स का कलर ब्लैक करने देते हैं। बहुत बड़ी वीडियो हो गई आज की, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पे भी कर दीजिए, क्योंकि द सब्जीबेटर्स वेलकम बैक। थैंक यू गाइज़।
मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय ही।